अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन ड्रामा सिर राह जुनून में काफ़ी सारे लोगों का जो अंजाम बिल्कुल भी ठीक से नहीं लास्ट में दिखाया गया, यहाँ पर उन्हें एक्सपोज बिल्कुल भी ठीक से नहीं किया गया और इसी वजह से इसका एंड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था। तो यहाँ पर क्या कुछ दिखाया जाता तो एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता। और यहाँ पर क्या इस ड्रामे का सीज़न 2 आएगा या नहीं, और यहाँ पर मेहर को माँ बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था, और भी बहुत कुछ जो है हम इस जो है वो एविडेंस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया लाजमी से करते जाना, और जो पॉइंट हम बताएंगे उनसे आप लोग डिसएग्री लाजमी से करता जाना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, शबरेज की मां का यहां पर बिल्कुल भी सही से अंजाम नहीं दिखाया गया। जितनी ज्यादा उसने यहां पर जहर घोली थी, जितने ज्यादा उसके शेड्स दिखाए गए थे इस ड्रामे में, यहां पर वो सब कुछ दिखाना चाहिए था। यहां पर इसके साथ कुछ बुरा होता हुआ दिखाई देता तो यहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छा होता, यहां पर इसे कोई अच्छी सी पनिशमेंट मिलती तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन यहां पर इन लोगों ने सिंपली वे में यहां पर थोड़ा बहुत यहां पर जो है रिकॉर्डिंग वगैरह सुना के यहां पर एक दूसरे के साथ सच ला के बस ठीक है काम को खत्म कर दिया। यहां पर इस चीज से भी लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हुआ। और दूसरी बात है ये भी कि यहाँ पर इसने जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर ये बात जो है वो नहीं रिवील, किसी ने भी नहीं रिवील की यहाँ पर, ये इसने खुद भी इसकी माने एक्सेप्ट नहीं किया जो उसने जैन की बीवी के यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जो है जिंदगी बर्बाद कर दी यहाँ पर, यानी उसको बच्चा ना होने दिया यहाँ पर। इसकी वजह से उसने टेबलेट्स वगैरह खिलाती रही यहाँ पर बहुत कुछ, जब वो इसमें जो है वो जतन करती रही तो यहाँ पर उस चीज को भी रिवील कर देते, यहाँ पर काफी ज्यादा नाराजगी होती, काफी ज्यादा इसके साथ जो है वो बुरा होता। या फिर यहाँ पर इसे जब बीमार दिखाया जाता है, इसे कोई बीमारी लाहक हो जाती, इसका एक्सीडेंट हो जाता, कुछ ना कुछ तो इस तरह का इंटरेस्टिंग जिस तरह से काफी सारे ड्रामास में दिखाया गया है ऐसा दिखाया जाता तो काफी ज्यादा अच्छा लगता, काफी ज्यादा जो सब लोगों को मजा आता। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने जो है इस चीज को टोटली इग्नोर कर दिया यहाँ पर। वैसे थोड़ी सी इन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा डाउन स्टोरी हो चुकी थी यहाँ पर, क्रिस्प से जो है वो नीचे हट चुकी थी, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को जो था एक दो एपिसोड और बढ़ा देते और उनमें यह सब कुछ दिखा देते तो काफी ज्यादा जो है वो अच्छा लगता। और इसके साथ साथ आगे हम बात ये भी कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 या 3 जो भी है कि यहाँ पर एकदम से यहाँ पर ज़ारा जो है वो जो ठीक होगी यहाँ पर, वो भी मुझे जो है वो बात समझ बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी कि यहाँ पर ये ज़ारा एकदम से ठीक कैसे हो गई यहाँ पर। अगर उसने कोई रिकॉर्डिंग या यहाँ पर अपने हस्बैंड की बात सुन भी ली थी तो यहाँ पर जो वो ज़ारा से इतनी ज़्यादा यहाँ पर अपनी बहन महर से इतनी ज़्यादा यहाँ पर वो जो है वो अटकलियाँ करती थी, यहाँ पर एकदम से उसका दिल साफ यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं, कोई तकरीबन 3-4 एपिसोड में दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ दिखाई जाती तो यहाँ पर हम लोग जब वो इस चीज को जो है वो मानते। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर इस चीज से भी वो सेटिस्फाइड जो है वो नहीं कर पाए। बाकी यहाँ पर हम आपको ये भी बता देंगे यहाँ पर ये भी बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया, इस चीज को भी टोटली इग्नोर कर दिया गया है कि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी ये भी नहीं दिखाया गया कि यहाँ पर जो इसने खुला के लिए यहाँ पर कहा था कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी तो वो भी थोड़ा सा दिखाना चाहिए था यहाँ पर, ये जो है किस तरह से खुला कर रही है या यहाँ पर इसे कुछ समझा रहा है या नहीं समझा रहा, इसके साथ कोई मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या इसकी माँ के रिएक्शन दिखा दिया जाता कि यहाँ पर तुम जो है वो इस तरह से अपना घर जो है मत बर्बाद करो। लेकिन नजरें नहीं यहाँ पर कोई चीजें नहीं दिखाई गई और ना ही यहाँ पर ज्यादा जो है वो उस्मान का रोल दिखाया गया, तो उसे भी कुछ ना कुछ जो दिखाना चाहिए था। और इसके साथ साथ क्या हुआ यहाँ पर, क्या यहाँ पर वो लड़की भी इसे धोखा देगी जिसके साथ यहाँ पर ये बाहर जाकर जब शादी करना चाह रहा था, या यहाँ पर कोई और बात थी, यहाँ पर ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता डे बाई डे यहाँ पर जो थोड़ा सा डिटेल में दिखा जाती तो काफी ज्यादा जो है वो कमाल की अच्छी हम लोगों को जब वो लगती। आपके ख्याल से ऐसा होना चाहिए था या नहीं लाजमी से बताते जाना। तो नंबर पॉइंट जितना भी है तो आप लोग ये भी देखोगे कि नाज़रीन यहाँ पर लैना का यहाँ पर इन लोगों ने जब वो बिल्कुल अच्छे से अंजाम नहीं दिखाया गया। लैना ने यहाँ पर जितना ज्यादा शुरू से लेकर एंड तक यहाँ पर वो करती रही, यहाँ पर एंड में सिर्फ उसे ये दिखा दिया गया कि वो बहुत पड़ी हुई है, ये भी नहीं दिखाया गया कि वो मर चुकी है क्या हो चुका है, ये चीज़ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो डिटेल में दिखानी चाहिए थी कि यहाँ पर इसके साथ हो क्या रहा है, इसकी माँ इसे छोड़ के चली गई या नहीं चली गई, यहाँ पर इसकी इन हरकतों की वजह से या ये बदनाम हो गई या नहीं हुई, और यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर इसे भी कोई ना कोई जो है वो मामलात अच्छे दिखाने चाहिए थे, यहाँ पर इसके साथ भी कोई अंजाम या इसकी कोई पुरानी जो है वो बातें निकल आती, या फिर ये जो इसने छोटा केस किया हुआ था इसकी वजह से इसे कोई ना कोई सजा मिलती तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोगों को मज़ा आता अच्छा लगता। तो आपके ख्याल से ऐसा होना चाहिए था या नहीं लाजमी से बताते जाना। और इसके साथ साथ पॉइंट नंबर जो भी है कि आप लोग ये देखने दिखा दिया जाता कि यहाँ पर जो है वो शबरेज और मेहर की यहाँ पर हम लोगों को जो है वो आगे अच्छी बॉन्डिंग दिखाई जाती, जब से उसने यहाँ पर जो है मेहर के पीछे लगा हुआ उसकी शादी हुई, मेहर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, थोड़ा
थोड़ा सा यहाँ पर एक दो एपिसोड प्यार वाले दिखाए गए और उसमें भी यहाँ पर इस तरह से बदमस्की कर दी। तो यहाँ पर चाहिए था कि यहाँ पर इसके बाद भी हम लोगों को दिखाया जाता कि ये किस तरह से जो है वो प्यार कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर ये जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा मोमेंट ड्रामाज में ये दिखा दिया जाता था जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एंडिंग वाला माहौल हो जाता था कि यहाँ पर बच्चा दिखा दिया जाता था। तो यहाँ पर कोई बच्चा दिखा दिया जाता था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, या प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी जाती, या फिर ये होता कि नजरें यहाँ पर ये जो है वो हम लोगों को थोड़ा सा जो है वो चंद साल बाद का जो है वो दिखा दिया जाता जिसमें यहाँ पर ये जो बच्चे के साथ खेल रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घूम फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ज़ारा इसकी नाजरीन उस बच्चे की खाला थी नाजरीन, उसे भी बीच में फिर दिखाया जाता है कि क्या हुआ और यहाँ पर क्या उसको कोई और पार्टनर मिला या नहीं मिला। यहाँ पर ये जो छोटी छोटी बातें थी इनको भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिवील करना चाहिए था, और काफ़ी ज़्यादा पीछे इन लोगों ने जो है वो करेक्टर्स छोड़े थे। यहाँ पर शबरेज के दोस्त वगैरह भी, और इसके साथ साथ नाजरीन यहाँ पर जिसके साथ मेहर की जो वो शादी होने वाली थी, पता नहीं ऐसा था नाम या क्या था, तो उसका क्या बना है यहाँ पर, वो चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी जो वो हम लोगों को आगे आगे करके दिखाई जाती, तो वो भी जो वो काफ़ी ज़्यादा जो हम लोगों को अच्छा लगता, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो हम लोगों को मज़ा आता। लेकिन इन लोगों जो है इन चीज़ों पर भी बिल्कुल भी रोशनी नहीं डाली, यहाँ पर चुपचाप जो है इसे आगे लेते गए। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो है वो बात तो रही अलग, यहाँ पर ये बिल्कुल भी हमें पाकिस्तानी ड्रामाज में नहीं दिखाया जाता कि हैप्पी एंडिंग के बाद ये भी कि यहाँ पर उन लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला जो है वो रिलेटेबल सा टच दे दें तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को जब अच्छा लगता। और इसके आगे हम बात कर लेते हैं अब जो है फाइनली बहुत ज़्यादा कमाल का जो है वो पॉइंट है वो ये, इसका सीज़न 2 ड्रामे का आ सकता है या नहीं आ सकता। तो नाजरीन वैसे ऑनेस्टली यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर वैसे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े ड्रामे आए हैं, ये भी बहुत ही बड़ा ड्रामा है। इस ड्रामे की जो है वो इतने ज़्यादा मिलियंस व्यूज़ इस ड्रामे ने लिए हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो यहाँ पर इस ड्रामे का जो है वो सीज़न 2 जो है वो तो बनता ही है, 90% चांसेस भी हैं। लेकिन नाजरीन अभी तक किसी तरफ से भी ये न्यूज़ नहीं निकल के आई कि यहाँ पर इस ड्रामे का सीज़न 2 सीक्वल बनेगा या नहीं बनेगा। और यहाँ पर अगर बनेगा तो ये सेम कास्ट के साथ बनेगा, यानी नाजरीन ये मेहर और शबरेज वाली कास्ट पूरी वही होगी, क्योंकि यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से जो है वो एक दो करेक्टर ही मरे हैं। तो यहाँ पर क्या वो सब लोग वापस आ जाएंगे, यानी कोई और अदर कास्ट, जिस तरह से दीवानगी 2 यहाँ पर इन लोगों ने ड्रामा जानिसार ड्रामा लेकर आए हैं, उस तरह से ही यहाँ पर यानी दीवानगी में जो है वो काफ़ी सारे करेक्टर जो है सब लोग चेंज थे, और दीवानगी 2 में भी यहाँ पर चेंज हैं। यहाँ पर टोटली यहाँ पर उसके घर वाले हर चीज़ नाम हर चीज़ थीम हर चीज़ जो है वो तकरीबन चेंज है। तो क्या इस ड्रामे में भी इस तरह से ही होगा, यहाँ पर दोबारा से ये लोग मिलेंगे बिछड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसी तरह से होगा। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें यहाँ पर इस ड्रामे की जगह जो है फिर से दानिश तैमूर का ही ड्रामा आ रहा है, जो कि यहाँ पर जुमेरात से शुरू होने वाला है, इसी स्लॉट में 8 बजे से लेकर 9 बजे के में लगने वाला है। तो यहाँ पर शायद हम लोग उसमें ये काफ़ी ज़्यादा गरीब और अलग जॉनर में दिखाया गया, तो वो भी हमें देखने में जो काफ़ी ज़्यादा जो मज़ा आने वाला है। तो आप लोगों को वैसे अगर सीज़न 2 इस ड्रामे चाहिए तो आप लोगों को जो है मेकर्स को यानी जाकर अटैक करना पड़ेगा, उन्हें कहना पड़ेगा कि सीज़न 2 आए, क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिक देख रही है, प्यार कर रही है उस ड्रामे को, और लास्ट एपिसोड पे भी जाकर सीज़न 2 के बाद नारे लगा दे, तो यहाँ पर ये जो डेफिनेटली जो है वो लेकर आएंगे आपके लिए सीज़न 2। तो आप लोगों में से कौन कौन चाहता है सीज़न 2 यहाँ पर आना चाहिए या नहीं, यहाँ पर तक जो वीडियो देख रहा है लाजमी से बताते जाना। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़।